श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है, किंतु ये कालजयी रचना समय, धर्म, देश अथवा समाज की सीमाओं से बद्ध नहीं है। मानवता का ये शाश्वत संदेश सकल विश्व के कल्याण के प्रति समर्पित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में, जब कभी संदेह मुझे घेरते हैं और मेरे मन में निराशा छाने लगती है, मैं क्षितिज पर गीता रूपी एक आशा की किरण देखता हूँ। इसमें मुझे अवश्य ही एक छंद मिल जाता है जो मुझे सांत्वना देता है। मैं कष्टों के बीच भी मुस्कुराने लगता हूँ। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का कथन है, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो इसके अलावा सब कुछ मुझे काफी उथला और छिछला लगता है। यदि इस ग्रंथ का ज्ञान अपने प्रारंभिक जीवन में मिल गया होता तो मेरे जीवन की दिशा कुछ और होती। प्रसिद्ध संत योगी अरविंद के शब्दों में, गीता के वक्तव्यों में सत्य की झलक इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि एक बार इसके संपर्क में आने वाला सहज ही इससे सहमत हो जाता है। गीता के शब्द किसी उपदेश या मार्गदर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन के गहन सत्यों से भी परिचय और साक्षात्कार करवाती है। ये वो सत्य हैं जिन्हें जानकर सभी भ्रम, अंधविश्वास, झूठ और असमंजस दूर हो जाते हैं। इस प्रकार गीता की भूमिका व्यक्तित्व पर आरोपित असत्यों और भ्रमों से सजग करने तक है। इससे आगे का मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाता है। भगवद गीता भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सहज स्वीकार्य है। ये वेद से लेकर दर्शनों के सिद्धांतों को और उपनिषद से पुराणों तक की कथा वस्तु को अपने में समेटे हुए है। ना तो इसका किसी मत से विरोध है, ना ही किसी सिद्धांत से वैमनस्य। अपने तार्किक सिद्धांतों और व्यवहारिक उपदेशों से गीता भारत से दूर विदेशों में भी मान्य और सम्मानित है। सन 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा पहले अंग्रेजी अनुवाद के बाद से 1982 तक गीता के 75 से अधिक भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। यही गीता की विश्वव्यापी स्वीकृति का प्रमाण है। विश्व जनमानस को भारतीय दर्शन और अध्यात्म से परिचित कराने वाली इस रचना का अध्ययन और अध्यापन ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और बर्कले जैसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। गीता रणभूमि की विकट परिस्थितियों में आध्यात्म और कर्तव्य की प्रेरणा का अनूठा उपदेश है। इतिहास के जानकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार लगभग 5125 वर्ष ईसा पूर्व को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। महाभारत में ये ज्ञान 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में वर्णित है। महाभारत भीष्म पर्व के अध्याय 25-42 में वर्णित इस उपदेश को गीता, भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता नामों से जाना जाता है। यद्यपि इस उपदेश का लक्ष्य अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उत्प्रेरित करना था, लेकिन अपने उद्भव से आज तक ये अपने उपासकों को जीवन के विविध संशयों से उबारने का रास्ता सुझाती है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सम्मान से गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भारतीय धर्म, दर्शन और आध्यात्म का सार है। जो वेद ज्ञान नहीं पा सकते, दर्शन और उपनिषद का स्वाध्याय नहीं कर पाते, भगवद गीता उनके लिए अतुल्य संबल है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति स्वयं को कठिनाइयों से घिरा पाता है और कर्तव्य एवं अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है, गीता उसका उचित मार्गदर्शन करती है। गीता नित्य और सनातन संदेश है, जिसकी महत्ता इतिहास के तमाम झंझावातों से गुजरती हुई आज तक यथावत है। आत्मस्वरूप से परिचित होने के बाद भी मनुष्य के लिए सद्ज्ञान, सिद्धांत और विचारधारा पर चल पाना संभव नहीं होता। संसार और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अनेक बार सत्य से समझौता करना पड़ता है। गीता इसी असमंजस से उबरने का उपदेश है। शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रकाश में विषम परिस्थितियों में भी सत्य का पालन संभव हो जाता है। पवित्र पावन ईश्वर वाणी भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। न जायते म्रियते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है, और न ये एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। भारत समन्वय परिवार की ओर से युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उद्घोषित श्री श्रीमद् भगवद गीता के पावन संदेशों को शत शत नमन।
हम उन्हें जन जन तक प्रेषित करने के लिए निरंतर प्रयासरत भी हैं और संकल्पित भी।